गौ सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है। गौ की सेवा करने से आपको मन की शांति मिलती है, आंतरिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। आजकल अमेरिका में काउ थेरेपी नाम से थेरेपी चल रही है, उसमें वो लोग गौशाला जाते हैं, कुछ डॉलर पे करते हैं, पर आवर उनको चार्ज करते हैं, और वो दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद काउस एंड हील देमसेल्स, और वो अपने डिप्रेशन को, टेंशन को कम करते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि गाय के साथ समय व्यतीत करने से, उसकी ओरा में आने से आपका मन शांत होता है, आत्मिक सुख मिलता है। हमें भी बहुत ज़्यादा शौक है गौशाला जाने का, गौओं की सेवा करने का। इस वीडियो में हम दिखाएंगे, हमने कुछ हम गौशाला गए हमारे दोस्त मनमोहन अग्रवाल जी के साथ, तो वहाँ पे गौ के बच्चे हैं जिनकी माँ जन्म देते ही मर गई, उन बच्चों को दूसरे गाय का दूध निकाल के बोतल में पिलाते हैं। गाय को हम लड्डू खिलाते हैं, सवा मनी बनती है वहाँ पे, सवा मनी अपने हाथों की उस पर लगा के उसको चटाते हैं, वो चाटती हैं तो हाथ की लकीरें बदलती हैं। गऊ का जो सलाइवा आपके हाथों पे लगेगा तो आपकी लकीरें बदलेंगी, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, वेदों में भी लिखा है। गऊ माता बोलते हैं, गऊ में सभी देवी देवताओं का वास है, लक्ष्मी का वास है, गोबर में सारे देवी देवताओं का वास है। इसका गौ मूत्र, देसी गाय का मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है, और आजकल जो ये अमेरिकन गाय का दूध घी मिल रहा है उससे तो कैंसर होता है, दूध पीने से कैंसर होता है, दोनों में कितना फ़र्क है। तो देसी गाय वो है जो कुबड़ होता है जिसमें, तो आप जब भी मौका मिले गौशाला जाएँ, सेवा करें और गौ माता का आशीर्वाद लें, और एक बहुत अच्छा एक आपका धन की शुद्धि होगी। गौ दान, गौ सेवा करने से जो आप धन की शुद्धि दान से होती है, तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करें जिससे कि गौ सेवा, लोगों में गौ के प्रति प्यार जगे, उमड़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा में सम्मिलित हों। हमारे भारत सरकार भी इस मामले में काफ़ी गौ की रक्षा करने में काफ़ी मदद कर रही है, हमारे माननीय योगी जी जिनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, वो भी गौ सेवा के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, गौओं को कटने से बचाएं, उनकी सेवा करें।